ध्वस्त हो चुकी है। धीरे धीरे नीतीश कुमार से लोग अलग हो रहे हैं, उनके जातीय समूह के लोग, उनके वोट बैंक लगातार नीतीश कुमार की शराबबंदी और जो कई विफल जो उन्होंने फैसले लिए हैं उनके उनके मार्फत वो दावा करते हैं कि उन्हें उनका वोट बैंक बिहार में सबसे सुरक्षित वोट बैंक है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की सुपारी मिल गई है। जब से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के माथे पर बिठाया गया है, नीतीश कुमार के सलाहकार भी मिल गए हैं। आरसीपी सिंह ने जब से भाजपा ज्वाइन की है तब से सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के वोट बैंक के ध्वस्त होने से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो वो महागठबंधन को होगा। पूरे बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार के संगठन में बड़ा बड़ा हिस्सा तोड़कर अपने पाले में कर रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी दरभंगा में घूमकर ये उन्होंने तय कर दिया कि चुनावी तैयारियों को लेकर 2024 की भाजपा ने रणनीति बना ली है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की सुपारी मिल गई है। जब से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के माथे पर बिठाया गया है, बिहार छोड़कर नीतीश कुमार भी लगातार फरार ही चल रहे हैं। अब तो सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के सलाहकार भी मिल गए हैं। आरसीपी सिंह ने जब से भाजपा ज्वाइन की है तब से सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह कोई ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बिहार में नीतीश कुमार के जातीय वोट को ध्वस्त किया जा सके। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के वोट बैंक के ध्वस्त होने से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो वो महागठबंधन को होगा। लौकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ रहेगा तो भाजपा के साथ नहीं जाएगा। वैसे भी बिहार में लौकुश नेता लगातार नीतीश कुमार से परहेज कर रहे हैं। जब से उन्होंने ललन सिंह की ताजपोशी की है तब से, और जब से राजद साथ गठबंधन किया है तब से कुशवाहा समाज में खासतौर पर नाराजगी देखी जा रही है और वो नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जहाँ एक तरफ उपेंद्र और उसका बिगुल बिहार से फूंक दिया है जिस तरीके से दोनों घूम रहे थे और बार बार उस जातीय समीकरण की चर्चा कर रहे थे कि देखिए एक तरफ लव एक तरफ कुश, यदि दोनों हम नीतीश कुमार के सताए हुए हैं, हम दोनों नीतीश से पीड़ित हैं और यहाँ अगर इस मंच पर मौजूद हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब ध्वस्त हो चुकी है। धीरे धीरे नीतीश कुमार से लोग अलग हो रहे हैं, उनके जातीय समूह के लोग, उनके वोट बैंक लगातार नीतीश कुमार शराबबंदी और जो कई विफल जो उन्होंने फैसले लिए हैं उनके उनके मार्फत वो दावा करते हैं कि उन्हें उनका वोट बैंक बिहार में सबसे सुरक्षित वोट बैंक है, लेकिन ऐसा है नहीं। नीतीश जहाँ खड़े हैं वहाँ जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। इसी मामले पर बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को पलटी मार तक कह दिया और ये कहा कि नीतीश अगर फिर से पलटी मार जाए तो इसमें कोई संशय मुझे तो नहीं होगा। नीतीश इतनी बार पलट चुके हैं, इतना बार उन्होंने फैसला पलटा है कि प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी भी अगर लेने हो जाएंगे तो वहाँ से भी पलटी मार जाएंगे। निश्चित तौर पर यह दावा उन्होंने एक और किया कि जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो वो स्वयं से घोषित, चूँकि उनको पता है कि विपक्ष एकजुट होगा नहीं, एकजुट हो भी गया तो वो नरेंद्र मोदी सामने टिकेगा नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार ने खुद को खुद ही से प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है ताकि उस प्रधानमंत्री की कुर्सी न भी मिले तो अपने चर्चाएं वो खुद से मन में करके खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी द्वारा किया गया ये दावा तो बहुत काल्पनिक लगता है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो एक भविष्यवाणी उन्होंने कह दी है कि नीतीश जल्दी ही फिर पलटी मार सकते हैं, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी जरूर होगी। आगे चल के जैसे ही पढ़ते खुलेंगे हम इन कहानी को भी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167000। धन्यवाद।